तो हे गाइस बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो फाइनल तुम्हारे भाई आ चुके एक नेबल ब्लॉग में। तो कमेंट आ रहा था कि ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो आज जो है ना मैं सानी के साथ ना थोड़ा अगरतला जा रहा हूँ, ठीक है। तो उसका बाइक का ना थोड़ा काज है, और उसके बाद क्या होता है मतलब मेरा जो बाइक है ना, मेरा बाइक थोड़ा घर पे है, ठीक है। हाँ, आज मैं बाइक के पीछे बैठ बैठ के ना थोड़ा ब्लॉग बनाऊँगा। एक्चुअली मेरा बाइक लेके नहीं आया, तो मैं जाऊँगा पल्सर 150 से, और यहाँ पे RC भी है, सुमित भी है, और देख सकते हो यहाँ पे बाइक। तो इसका जो बाइक है ना, इसको यहाँ से ठीक करेगा। इसका जो पीछे का जो मडगार्ड है ना, मडगार्ड को, और इसका जो इंजन ऑयल ना, इसको भी चेंज करेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बीच में जाके पेट्रोल फ्यूल अप करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। तो आज जो है ना बाइक के पीछे बैठ के ब्लॉग बनाऊंगा, तो पहले जैसा मोटो ब्लॉग तो नहीं होगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो अभी ऐसे निकलते हैं हम लोग, थोड़ा बाइक में फ्यूल अप करेंगे। तो मैं बैठ रहा हूँ पल्सर 150 है, तो इसका जो माइलेज है ना भाई बहुत ही ज़्यादा रहता है। और ये देख सकते हो सामने है सानी बाबा। तो आज का जो ब्लॉग है ना, मैं पीछे बैठ बैठ के ना ब्लॉग शूट करूँगा, ठीक है। एक्चुअली बहुत दिनों से ना ऐसे ब्लॉग शूट करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हर बार अपना जो बाइक है ना, बाइक से ब्लॉग शूट करता था। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा चेकिंग वेकिंग चल रहा है, तो मुझे पता नहीं हम लोगों को रोकेगा भी या नहीं रोकेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा CRPF है। तो जितने भी कार वगैरह होता है ना, सबका चेकिंग होता है एक्चुअली, इलेक्शन का जो टाइम है। तो देख सकते हो हम लोग यहाँ से निकलते हैं आराम से। तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा रुके, और हम लोग जा रहे हैं ना संदीप भाई के पास, जो मैंने पहले बार जो बाइक का सर्विसिंग किया था ना, उस वाले जगह पे, ठीक है। तो अभी हम लोग आ गए कुछ इस वाले जगह पे, मोहनपुर, देख सकते हो यह वाला रोड जो है ना, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से फिर से निकलेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, फिर से हम लोग ना उस वाला हाईवे से होके निकलेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सामने जाके ना एक ब्रिज है, ब्रिज का काम कम्प्लीट नहीं हुआ, इस वजह से हम लोग को घूम के फिर से मेन रोड पे आना पड़ा। तो अभी हम लोगों को जाना है लेफ्ट की तरफ, तो इस वाले रोड से होके ना फिर से हम लोग उस वाले हाईवे से होके निकलेंगे। तो अभी देख सकते हो हम लोग फिर से आ चुके हैं इस वाले हाईवे से होके, और यहाँ पे जो सामने जो एक ब्रिज है ना, उसका शायद काम कंप्लीट नहीं हुआ, शायद हो चुका है बट हम लोगों को पता नहीं है, गया नहीं ना, जाते टाइम देख के जाऊंगा। और अभी देख सकते हो ये सानी। अभी हम लोग को जाना है राइट की तरफ, ठीक है। कार आ रहा है, कार कार, रुक जा रुक जा। तो आप लोगों को क्या करना है, ऑक्सीजन पार्क के साइड जो एक रोड आता है ना, इस वाले रोड से होके आप लोग सीधा आना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SBI का जो स्टेट बैंक है यहाँ पे दिखेगा, उसके बाद आप लोग को इस तरफ लेफ्ट की साइड आना है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड आने के बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ कहाँ से होके कहाँ जाना है, ठीक है। मतलब बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर आओगे तो। क्या करना है, इस वाले रोड से होके ना राइट की तरफ जाना है। इस रोड पे ना आप लोगों को बिल्कुल सीधा जाना है, ठीक है। हम लोग पहुंच चुके हैं इस वाले जगह पे, देख सकते हो जो संदीप भाई का जो शॉप है ना, इस वाले जगह पे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अपना जो बाइक है इसको रख देते हैं।
तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके कुछ इस वाले जगह पे, और जिसको भी पता नहीं है, संदीप भाई जो है ना पहले KTM से उन पर काम करता था, तो आप लोगों को अगर KTM बाइक का कोई भी काम करना है ना तो यहाँ पे आ सकते हो, बाइक करता है। तो मेरा जो सर्विसिंग वगैरह ना यहाँ पे करता है, वो सानी भी अभी यहाँ पे करता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा होता है शोरूम से, तो भाई बहुत ही अच्छा होता है भाई, इतना आप लोगों को बता सकता हूँ। ठीक है, तो अभी देखता हूँ बाइक का क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है। एक्चुअली इसका जो साइलेंसर ना, साइलेंसर की वजह से ना इसका जो बाइक का जो इंजन है ना, थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो रहा है, और इसका जो बाइक है पूरा खोल लेगा। एक्चुअली इसमें एग्जॉस्ट लगा है ना, एग्जॉस्ट की वजह से थोड़ा इसका जो इंजन है ना थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो रहा है। और इसका माइलेज टेस्ट कुछ दिन पहले किया था, जो एग्जॉस्ट लगाने के बाद जो इसका जो माइलेज आया ना भाई, 31 का माइलेज दे रहा है अभी, RC 200। ठीक है, ये RC 200 अभी 31 का माइलेज दे रहा है, और एग्जॉस्ट लगाने से पहले इसका माइलेज था 35 to 36। तो आप लोग अगर एग्जॉस्ट लगाओगे ना तो आप लोगों का जो माइलेज है ना बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हो सानी का जो बाइक है ना, इसको पूरा खोल चुका है, और इसका सर्विसिंग भी होगा, और पीछे का जो टायर वायर है सब खोल के उसके बाद इसको कस्टम डले मरेगा। तो इस वाले पार्ट को देख सकते हो आप। तो इसमें नया वाला नाट लगे ना, तो पहले वाला जो मार्गट है ना, मार्गट अभी इसमें फिटिंग नहीं हो रहा है, तो इसको कस्टम डले मार के ना उसके बाद नया वाला नाट बोल्ट जोड़ेगा। ठीक है, तो अभी देख सकते हो बाइक का कुछ ऐसा हालत है, साइड का जो वाइजर है पूरा खोल चुका है, और अभी देख सकते हो यहाँ की पूरा जो बाइक है ना पूरा खोल लेगा। तो अभी देख सकते हो बाइक का जो पीछे का जो टायर है ना, ये भी खोल चुका है, और ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हो उसका जो पीछे का स्पॉकेट है ये खोल चुका है, और पीछे से कुछ ऐसा लग रहा है इसका। तो अभी देख सकते हो बाइक का कुछ ऐसा हालत हो चुका है, इसका पीछे का जो लुक है ना भाई देख सकते हो पूरा जो बाइक है ना पूरा खोल चुका है, तो साइड से ना देख सकते हो। तभी इसको लेके जाएगा कस्टम डाले देने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे ये जो दो नाट बोल्ट है ना इसमें कस्टम डाले करेगा, उसके बाद इसका जो नया नाट बोल्ट है ना वो लगेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको लेके जा रहा हूँ मैं और सानी। ठीक है, तो बाइक को रख देते कुछ इस वाले जगह पे, आके इसका सर्विसिंग वगैरह होगा, तो देख सकते हो पीछे का जो गार्ड है ना, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। तो एक्चुअली दो बाइक इसलिए लाया था कि एक बाइक तो यहाँ पे रहेगा ना, तो दूसरी बाइक से हम लोग जाएंगे। ठीक है, पहले हम लोग पहुँचे कुछ इस वाले जगह पे, तो यहाँ पे थोड़ा सानी का जो बाइक है ना, वो जो हम लोगों ने पीछे का जो कार जो लेके आया था ना उसमें थोड़ा कस्टम डलाई करेगा। तो यहाँ पे भाई दो होल के लिए ना भाई 1200 रुपये मांग रहे हैं भाई, क्या बोलिए 1200 रुपये। तो सोच सकते हो भाई KTM जो खरीदते हो ना, अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है आपका बाइक में भाई बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा, तो सोच के बाइक खरीदना। ठीक है, तो अभी हम लोग को झेलना पड़ रहा है। तो फाइनली जो बाइक का जो ये यहाँ पे देख सकते हो इसका जो वेल्डिंग है ना ये कर चुका है, अभी इस पर लगाएगा होल करेगा इस वाले जगह पे। तो ये मेरा हाथ में है ना, तो अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ पे फिर से होल करेगा, उसके बाद इसका जो नाट बोल्ट है ना नाट बोल्ट लगाएगा। ठीक है, तो अभी जहाँ पे होल करेगा वहाँ पे चलते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं इस वाले जगह से। इस वाले जगह पे आप लोग देख सकते हो भाई कितना ज्यादा ट्रैफिक है भाई,
ऑटो और टुक टुक भाई, टम टम हम लोग इसको बोलते हैं, टम टम टुक टुक कुछ भी बोलो, देख सकते हो यहाँ पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। ये अभी हम लोग पहुँचे कुछ इस वाले जगह पे, और इंडियन मोटर्स मतलब कि जो गैरेज है ना, यहाँ पे इसका जो होल होगा नट बोल्ट का देख सकते हो। तो अभी देख सकते हो हम लोग पहुँचे कुछ इस वाले जगह पे, और यहाँ पे होगा इसका जो नट बोल्ट है ना कुछ इस वाले जगह पे, यहाँ का जो होल्ड है ना इसको होल्ड करेगा, उसके बाद इसको लगेगा। और मेरा हाथ में ना भाई इतना ज़्यादा काली लग चुका है, इसको एक्चुअली स्प्रे किया था ना इस वाले जगह को, तो पहले इसको करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये पता नहीं यार किस किस टाइप का मशीन वगैरह है, यहाँ नट बोल्ट है ना इसको होल्ड करेगा, ठीक है, होल्ड करके उसका जो नट है ना इसको फिर से इस पर लगाएगा, तो इसके लिए पहले इस पर होल्ड करना पड़ेगा। तो अभी देख सकते हो इसका जो नट बोल्ट है ना इसका होल कर चुका है न्यू वाला, तो अभी इसको लगाएगा, तो यहाँ से हम लोग निकलते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट संदीप भाई के पास जाके मिलते हैं। सुबह से ना भाई हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, तो अभी सोच रहा हूँ कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे साने भी कुछ लिया, तो मैंने एक रोटी लिया, तो देखते हो और क्या क्या खा सकते हैं। तो भाई सुबह सुबह 8 बजे निकले थे, और अभी करीब करीब 12:30 या 1 बज रहा होगा, ठीक है, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट संदीप भाई के पास निकलते हैं। उसके बाद इसका जो बाइक है ना इसका सर्विसिंग भी है, ठीक है, पूरा सर्विसिंग भी करेगा, इसलिए तो हम लोग थोड़ा इस वाले जगह पे हैं। देख सकते हो मेन अगरतला का जो सिटी है ना अस्तबल मार्ट के पास, इस वाले जैसा हम्पीबागंज जो मैदान है यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके, तो अभी खाते हैं उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों को ना जेटेम शोरूम पे थोड़ा काम भी है, तो थाने का एक पास है वो भी आ चुका है, तो उसको भी मतलब चेन कवर जो है ना ऊपर का जो प्लास्टिक का जो चेन कवर होता है वो वाला पार्ट भी आ चुका है उसका, तो उसको लेके भाई हम लोगों ना इतना ज़्यादा भूख लग रहा है क्या बोलूँ यार। अभी तभी यहाँ से कुछ खाने के लिए लेते हैं, और यहाँ पे देख सकते हो कार वगैरह वैन कर लो ना, मैं मुझे साइड दे दे भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। तो फाइनली हम लोग पहुँचे कुछ इस वाले जगह पे फिर से, तो अभी बाइक का जो है ना थोड़ा सर्विसिंग वगैरह होगा देख सकते हो, तो पूरा जो ये जो मटगड़ है ना ये यहाँ का जो चेन गार्ड है ये देख सकते हो, नया 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 वाला गार्ड ये भी आ चुका है, और अभी इस पे फिट होगा, और पुराना वाला जो चेन कवर है ये देख सकते हो ये वाला है, ये पुराना वाला हुआ है न्यू वाला, तो इसको फेंक देते हैं कचरे में। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो सानी का जो बाइक है ना इसका जो पूरा अभी देख सकते हो फिटिंग हो रहा है, उसके बाद इसका बाइक का पूरा सर्विसिंग होगा। तो बाइक का जो बाइक है ना पीछे पूरा देख सकते हो यहाँ पे लग चुका है, और अभी इसका जो इंजन ऑयल है ये पूरा चेंज होगा, देखते हो इसका जो इंजन ऑयल का कलर है कैसा होता है। तो एक्चुअली ये 3000 किलोमीटर चल चुके हैं, तो देखते हो कैसा होता है। तो इसका जो इंजन ऑयल है ना मतलब अभी तक ख़राब नहीं हुआ, तो भाई थोड़ा पहले ही इसका जो इंजन ऑयल है ना इसको चेंज कर रहा है। एक्चुअली इसका जो इंजन है ना थोड़ा ज़्यादा ही हीट हो रहा है, इस वजह से सोचा कि इसका जो इंजन ऑयल है इसको चेंज करने के बाद देखता हूँ क्या ज़्यादा हीट होता है या नहीं। अगर आप लोग RC वगैरह लेते हो ना KTM का कोई भी बाइक, तो आप लोग 5 से 6000 किलोमीटर चला सकते हो, उसके बाद आप लोग इंजन ऑयल चेंज करने का टाइम आता है, और भाई जो है ना 2 से 2500 किलोमीटर चला चुका है उसके बाद ही इसका जो इंजन ऑयल है चेंज कर रहा है। तो अभी देख सकते हो इसका जो नया वाला इंजन ऑयल है इस पर डालेगा, तो ये रहा मोबिल फिल्टर, तो इसके अंदर जाएगा। इसका जो इंजन ऑयल है ना तो आप लोग देख सकते हो इसका 20W50 और Duke 250 में आता है 10W50, ठीक। तो इस बाइक का जो कूलेंट है ना कूलेंट भी चेंज होगा, ठीक है, तो अभी इसमें देख सकते हो इंजन ऑयल डालता है, इसका जो कलर है ना पूरा रेड कलर का है। Sometimes I wish that I didn't care.
तो फाइनली सनी का जो बाइक है ना, इसका सर्विसिंग कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो इसमें इंजन वगैरह जो जितना भी काम था सब हो चुका है। और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, मतलब खुआई के लिए अपने घर पे जाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये वाला जो ब्लॉग है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो आज का जो ब्लॉग है ना यही पे, मतलब इतना ही। आपका तो बाइक नहीं है, मतलब बाइक घर पे है, ठीक है। तो आई होप आप सभी को मज़ा आ गया होगा। तो आगो चला मैं भी गया था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।